To this YouTube channel of Legacy IAS. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे SDG इंडेक्स के बारे में जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा. नाउ बिफोर वेंचरिंग इनटू दिस टॉपिक जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि SDG क्या है, क्यों आया, इसकी जरूरत क्या है और इंडिया में इसका स्टेटस क्या है जो कि एक इंडेक्स से मेजर किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, वी नीड टू अंडरस्टैंड इस टॉपिक का रेलेवेंस क्या है. जब हम इस टॉपिक के रेलेवेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यूपीएससी या डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट गोल्स ऑफ एसडीजी एज वेल एज इट्स पैरामीटर्स इन इंडिया एज वेल एज द स्टेटस, कि उसका स्टेटस क्या है, कितने गोल्स अचीव किए हैं इंडिया ने. इन सारे मुद्दों से जुड़े हुए सवाल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू मेंस, एसडीजी के जो भी गोल्स हैं अगर आपको उनके बारे में पता है, इफ यू हैव द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू दोस एसडीजी, दे कैन बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर कोर बॉडी ऑफ योर आंसर एज वेल एज इवन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट जब आप एक आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं. इस मायने में कि एज एसडीजी ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर दिस गोल्स एंड इंडिया इज ऑन ट्रैक टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स, तो कुछ इस तरह से आप एक बहुत अच्छा कंक्लूजन दे सकते हो यूजिंग द एसडीजी. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट द एसडीजी इज ऑल अबाउट. तो SDG कुछ नहीं, एक 17 गोल्स हैं टोटल, 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स जो कि डिजाइन किए गए हैं ताकि भविष्य एक सस्टेनेबल भविष्य की तरफ पूरी दुनिया बढ़ सके. दैट इज व्हाई. एंड वो गोल्स क्या हैं, अगर हम गोल्स को हम छोटे शब्दों में समझें तो बेसिकली थ्री फोल्ड गोल्स हैं वो, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल. जब कभी भी कोई भी डेवलपमेंट सोशल यानी सोशली इंक्लूसिव हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट कवर करती हो और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के की जाए, तभी वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगी, वो फ्यूचर के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगी. नाउ इफ यू सी ऑल दीज गोल्स, दे कैन बी क्लब इन वन और दी अदर ऑफ दीज थ्री डिफरेंट पैरामीटर्स. चाहे आप देख लो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, all these can be easily classified into social, economic and environmental. ये सारे जितने भी 17 goals हैं, ये goal जो हैं वो 2015 में United Nation, जहाँ पे सारे देश बैठे, वहाँ उन्होंने एक General Assembly में decide किया और इसके लिए एक resolution भी pass किया, उसको Agenda 23 के नाम से भी हम जानते हैं. Now as I told you, you can basically club it as a sum total of social, economic and environmental development. तो अगर हम इसको और detail में बोले तो बेसिकली ये गोल्स एक 5P से मिलकर बने हैं. दैट 5P इंक्लूड्स पीपल, प्लैनेट, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप, राइट. एंड अगर आप इस जो लेटेस्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट नीति आयोग ने लॉन्च किया है जो कि स्टेटस बताता है इंडिया के स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का एसडीजी गोल्स को लेके, कि हम कहां पे खड़े हैं दुनिया के मुकाबले, डिफरेंट स्टेट्स कहां पे खड़े हैं दूसरे के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं यही बातें उनमें निकल कर आती हैं कि पीपल का रोल क्या है, पीपल का इन्वॉल्वमेंट कितना है, प्लैनेट कैसा है, पीस पे क्या काम हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी पे क्या काम हो रहा है एंड फाइनली पार्टनरशिप. इस रिपोर्ट का स्पेशल एम्फसिस पार्टनरशिप के ऊपर है. पार्टनरशिप किसका? पार्टनरशिप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, पार्टनरशिप प्राइवेट प्लेयर्स का, एज वेल एज ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव वर्क टूवर्ड्स द अचीविंग ऑफ डेवलपमेंट गोल्स तो है ही है. नाउ एसडीजी से पहले क्या था? SDG से पहले विद द चेंज ऑफ द मिलेनियम, विद द न्यू मिलेनियम, एक गोल आया था जिसका नाम था MDG, दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. बट 2015 में उस गोल्स को चेंज करके MDG से हमने SDG कर दिया. तो क्या अलग था, क्या अलग था MDG में और क्यों जरूरत पड़ी SDG को लाने की? नाउ वी विल सी दिस. नाउ इफ यू सी इन MDG वी हैव ओनली 8 गोल्स एंड इन SDG वी हैव 17 गोल्स, और इन 17 गोल्स को सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 169 छोटे बहुत छोटे बड़े टारगेट्स में डिवाइड किया गया है. ये 169 टारगेट्स इन 17 गोल्स से कनेक्टेड है. बट इफ यू सी इन MDGs देयर वाज ओनली 21 टारगेट्स. और ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि MDG गोल्स वर मोस्टली फोकस्ड ऑन सोशल. MDG गोल्स इसलिए लाए गए थे कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज की तरह ही अगर डेवलप होना है तो वहां पे सोशली किस तरह का स्टेप्स लिया जाना चाहिए, ये इसीलिए था MDG. नाउ इफ वी सी SDG, क्योंकि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, एक फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करता है,
दैट इज वाई वो सिर्फ एक सोशल एस्पेक्ट से नहीं देखता, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से नहीं देखता, बट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी बात करता है. दैट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन द एमडीजी एंड द एसडीजी. नाउ फर्दर, एज आई टोल्ड यू, इसके टारगेट सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थे कि डेवलपिंग कंट्रीज को यह रास्ता अपनाना है सो दैट दे कैन अचीव द सेम डेवलपमेंट एज द डेवलप्ड कंट्रीज. बट जो एमडीएसडीजी है वो अप्लाई करता है चाहे वो रिच कंट्री हो चाहे पुअर कंट्री हो, दोनों पे. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें एनवायरनमेंट के केस में देखने को मिलता है. जहां पे हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन डेवलप्ड कंट्रीज ने जिन्होंने इतने सालों में इतना ज्यादा प्रोग्रेस किया है वो किसके कॉस्ट पे किया है. जो वो पोल्यूशन उन्होंने फैलाया है इस डेवलपमेंट रेट को, इस डेवलपमेंट ग्रोथ को अचीव करने के लिए, उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है. दैट इज वाई दे आर रिच टूडे, राइट? So it is their responsibility also to share the technology, to share the monetary resources with these developing countries. Tabhi wo apne sustainable development goal ko achieve kar paye. That is why the SDG goals apply both to the world, applies both to the rich country as well as the poor countries of the world. Now, if we specifically look into the SDG index India, to Niti Aayog ne is index ko launch kiya hai aur इस इंडेक्स में, एज आई टोल्ड यू, इट मेजर्स द प्रोग्रेस मेड बाय द इंडियन स्टेट्स एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज. नाउ कैसे मेजर किया जाता है? तो बेसिकली हर स्टेट को एक स्कोर दिया जाता है 0 से 100 के बीच में, और बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज. क्या है वो कैटेगरीज? अगर आपका स्कोर 0 से 49 के बीच में है तो आप एस्पिरेंट स्टेट की कैटेगरी में है, अगर 50 से 64 है तो आप परफॉर्मर स्टेट की कैटेगरी में है, अगर आप 65 से 99 के बीच में है तो आप फ्रंट रनर कैटेगरी में है, एंड अगर 100 है तो डेफिनेटली आप अचीवर स्टेट है. बट करेंटली अगर हम देखें तो कोई भी स्टेट जो है वो एस्पिरेंट कैटेगरी में नहीं है. ये हमें ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं हर स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ बढ़ रहा है, चाहे धीरे या चाहे तेज. दिस इज गुड थिंग विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टेटस ऑफ इंडिया. नाउ नीति आयोग ने रिसेंटली 3rd एडिशन लॉन्च किया है एसडीजी इंडेक्स का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हैपेंड इन 2020, और ये बेस्ड है 115 इंडिकेटर्स के ऊपर. 115 इंडिकेटर्स को एसेस करके ये रैंकिंग बनाई गई. वेयर दे फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूशंस, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट. ये अलग पैरामीटर्स नहीं है, ये वही पैरामीटर्स हैं जो 17 गोल्स को एसेस करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा. नेक्स्ट, इफ वी सी एक्चुअल फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट, सो टॉप पोजिशन इस इंडेक्स में केरला का है with 75 score, and the bottom position is with the Bihar which has 52 points. So you can see there's a stark difference in India itself with respect to the achievement of sustainable development goals. Now kis cheez mein growth hua hai aur kis cheez mein kami aayi hai, kis cheez ne better perform kiya, kis cheez ne acha perform nahi kiya hai. So if we see clean energy, urban development and health, they perform better in this index overall, all the states. And we see there's a decline, जहां पे प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है वो है इंडस्ट्री का एरिया, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एज वेल एज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. बट अगर हम देखें ओवरऑल जो इंडिया का स्कोर है, एसडीजी स्कोर है, वो इंप्रूव किया है बाय 6 पॉइंट्स. एंड उसका अगर हम बेसिक रीजन देखें, देयर इज द 2 कोर रीजंस व्हाई, दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जिसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, और दूसरा है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो कि गोल 7 है एसडीजी का, उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है. इन व्हेन इट कम्स टू द यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़ इज इन द टॉप स्पॉट फॉलोड बाय द दिल्ली. सो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंडियाज असेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू अचीवमेंट ऑफ एसडीजी बाय डिफरेंट स्टेट्स. आई होप ये वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझा दिया होगा एसडीजी के बारे में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.